लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। करण तुम्हारा नाम है, काम बोलो। तुमने मेरे दोस्त मेरे पार्टनर पिंटू को गोली मारी है। अगर मैं उसकी जान नहीं लेता तो कानून उसे मार डालता। तुम्हारे दोस्त की जान बेकार नहीं गई, उसकी मौत से जो पैसे मिले हैं उससे गरीबों का कुछ फायदा तो हुआ। करण, ये सब काम तुझे एक न एक दिन जेल भिजवा देंगे। वर्जिश करने की क्या जरूरत थी? प्यार का काम प्यार से होने दे। तेरे प्यार का ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे शर्म तो औरतों का जेवर है, और तू उसी जेवर को पहनाने के बजाय उसे उतार लेना चाहता है। लोग तुझे गरीबों और मासूमों का मददगार बोलते हैं, तेरे नाम के साथ दानवीर करण का नाम जोड़ते हैं, और तू लुटेरा बनना चाहता है, अपने नाम को इतना नीचे गिराना चाहता है। सोनी, तेरी बातों में बहुत दम है। आज तूने मुझे अपने ही नजरों में गिरने से बचा लिया, लेकिन मुझे गलत ना समझना, मैं क्या हूं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अरे बाप रे, सांस लेता इतना भारी सामान कौन उतारेगा? अबे अभी तूने हमारा साजो सामान देखा ही नहीं है, अगर देखेगा ना तो भागेगा यहाँ से। चल हमारा जूता दे। ए कंडक्टर, अरे ए कंडक्टर, अरे ये बिच्छू और सांपों को हमारा ही जूता मिलता है सोने के लिए। या कंडक्टर, ये ले खेल। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या नीचे उतरो जी साहब? नीचे तो हम एक बार उतरे थे हवाई जहाज से, एयरपोर्ट पे पहुंचे, हवाई जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, हमने धनकनी से दरवाजा पकड़ा, ऐसे खोला, अपना दाएं पैर बाहर निकाला और हम कूद गए और तालियां बज गई थी। तालियां, आप थे वहाँ? नहीं, आप नहीं थे वहाँ। तुम छत पे क्या कर रहे थे? हम छत पर सो रहे थे। तुम बस के टिकट के 12 रुपए 80 पैसे दे दो। अरे भाई सफर के पैसे क्यों दे, हमने सफर किया ही नहीं, हम तो दरअसल दरख्त पर सो रहे थे, दरख्त पर सो रहे थे, करवटली नीचे गिरे, उसके बाद आपकी बस हमें लेके चली गई। एक तो आप हमें अपने घर से इतनी दूर लाते हैं, उसके बाद आप टिकट भी मांगते हैं। बस में सफर किया, टिकट पैसे देने पड़ेंगे। हम टिकट के पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन नहीं चलेंगे क्योंकि हमको पुलिस से डर लगता है। मैं नहीं जानता तुम। अरे पैसे नहीं देते हम। अरे कमाल के आदमी हो यार। अरे कमाल की क्या बात है, जैसे तुम रुक के बात करते हो, हम रुक के पैसे देंगे। मैं रुक के बात कहाँ करते हो? अरे 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 कंडक्टर साहब, नाराज क्यों होते हो? टिकट के पैसे मैं देता हूँ। मेरे टिकट के पैसे आप क्यों देंगे? पकड़ो उसे। ये लो पकड़ लिया, 12 रुपए 80 पैसे। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या नौकरी की तलाश में आए हो? अजी साहब यहाँ नौकरी क्या करेंगे हम, नौकरी तो एक बार की थी हमने दिल्ली में। कौन से ऑफिस में? बड़ा आलिशान दफ्तर था, तो लंबा चौड़ा दफ्तर था, कतारें ही कतारें थी वहाँ पर, कतारें। क्या मिलता था वहाँ? गालियाँ। गालियाँ? हाँ, सरकार का और काम ही क्या है गालियाँ देना। कौन सी सरकार? अरे भाई जिसकी वजह से हमने वो नौकरी छोड़ी, नाम उसका था आलो सरकार, हम उसे कहते थे आलू सरकार, पोटेटो गवर्नमेंट, वहाँ का सुपरिंटेंडेंट था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरा नाम राम भरोसे है। How do you do? और तुम इस शहर में नए मालूम होते हो हैं? बात सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज की तकलीफ हो तो राम भरोसे होटल में आ जाना। शुक्रिया। मगर तुम यहाँ काम क्या करोगे? अब जब यहाँ आ गए हैं तो कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, और फिर भगवान जो है ना, कोई ना कोई सरफिरा तो हमसे मिला ही देगा। ये क्या रोज रोज बीमारों का खाना देते हो हमें, हमें तुम्हारे होटल में रहना ही नहीं।
पर मैडम इस सीजन में आपको किसी होटल में जगह मिलने वाली नहीं, नहीं चाहिए होटल वोटल, हम किसी के घर में पेइंग गेस्ट बन जाएंगे या कोई गेस्ट हाउस ढूंढ लेंगे। कम ऑन गर्ल्स, कहीं जगह ढूंढते हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुएं यार में, उसे नहीं मिली थी लेकिन आपको मिल सकता है मकान। हमें हफ्ते भर के लिए कोई मकान चाहिए। हफ्ते भर के लिए? हफ्ते भर के लिए हो या साल भर के लिए, यहाँ के गली गली कुछ कुछ कोने कोने से हम वाकिफ हैं, लेकिन किराया आपको हफ्ते भर का पेशगी में देना पड़ेगा। आप जगह तो दिखाइए। देख ये घर मैंने तेरे लिए बनाया। माँ मेरे लिए? हाँ, हम उस पुराने घर में अब नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, हम वहीं रहेंगे। लेकिन क्यों माँ? मैं जानती हूँ बेटा, ये घर तेरे प्यार से रंगा हुआ है, पर कभी उस घर की दीवारें मेरी ममता, मेरे सुहाग के उजाले से रोशन हुई थी। तेरा बड़ा भाई उसी घर से जुदा हुआ था और मुझे पूरा विश्वास है वो जब भी लौटेगा वही लौटेगा, और जब तक वो नहीं लौटता मैं इस नए घर में नहीं रहूंगी। ये कॉटेज किराए पर मिल सकता है? ये हाँ जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, ये तो मेरी मौसी का है। मौसी का? आप यही रुकिए, मैं जरा मौसी जी से बात करके आता हूँ। हाँ यही रुकिएगा, जरूर मिल जाएगा अगर खाली हुआ तो। मौसी, मौसी, मौसी देख तो कौन आया है। मौसी, मौसी मैं आया हूँ, तेरा बेटा इकबाल। हाँ मौसी मैं ही हूँ, आऊं? अरे अरे अरे, आप सब कहाँ जा रही हैं? पहले मुझे अंदर जाने दीजिए, बात करने दीजिए। किससे? मौसी, मेरी मौसी से। मेरी मौसी अंदर है, आपको देखेंगी तो भड़क जाएंगी, मौसी को लाल रंग अच्छा नहीं लगता। आप यही रुकिए। मौसी, मौसी, मौसी डार्लिंग, मौसी, ओ मौसी। अरे कौन? इकबाल बेटा, अरे कहाँ गायब हो जाता है रे? मौसी, मैं कुछ लड़कियां लेके आया हूँ। लकड़ियाँ? अरे लकड़ियाँ क्यों लाया है रे कमबख्त? तू जानता है मैं लकड़ियों का चूल्हा नहीं जलाती हूँ। ये तो पहचान की लड़कियां है मौसी, बस यहाँ 7 दिन के लिए रहना चाहती हैं और 7 दिन का पूरा 1000 रुपए देने को तैयार है। अरे 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 अरे, आप क्या कर रही हैं? अगर मौसी ने आपकी सूरत देख ली तो सीधा किराया डबल कर देंगी। मगर 1000? आप कितना दे सकती? ज्यादा से ज्यादा 500 दे दीजिए। लेकिन मौसी? अरे मौसी मेरी है, मैं मौसी को 500 में पटा लूंगा। आप यूं कीजिए, अपना सामान वगैरह ले आइए, ये मकान आपको खाली मिलेगा। मगर मौसी कहाँ जाएंगी? अरे मौसी वहीं जाएगी जहाँ मैं जाऊँगा। मैं आपसे कहता हूँ ना, आप यहाँ आ जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसके बाद आप गाइए, नाचिए, मौज मनाइए, बस इकबाल के गुण गाइए। ये लीजिए, ये रुपए 10 तारीख तक पहुँच जाएंगे ना? हाँ हाँ पहुँच जाएंगे। 15 रुपया मनी ऑर्डर भेजने की फीस और 475 मिलाकर कुल हो गए 490, ये बाकी के 10। बहुत है, दोनों वक्त की रोटी हो जाएगी। साफ है, पानी भी साफ, हाथ भी साफ। दरअसल बात यह है कि इस होटल में सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। वो देखिए मैनेजर साहब, मक्खियों का सफाया कर रहे हैं। बड़ी सफाई से सफा हो रहा है। बढ़िया, खाने में क्या है? सब कुछ है, आप क्या खाएंगे? मटर पनीर है। मटर पनीर? मटर पनीर क्यों? बात दरअसल ये है कि ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना हमारा पहला असूल है। मटर का सीजन नहीं और डब्बे का मटर हम खिलाते नहीं। पनीर? पनीर, पनीर दरअसल दूध को फाड़ कर बनाया जाता है और चीर फाड़ पर हम विश्वास नहीं करते। आप जरा हम पे विश्वास कीजिए, हमारे पास कुल 10 रुपए हैं जेब में, अब 10 रुपए में आप हमको बढ़िया खाना खिला दीजिए। 10 रुपए में तो 2 वक्त का खाना आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए दाल लाता हूँ, खाओ दाल जड़ी निब्बे ना। हाँ खिला दो अभी। ला 3 रुपए की नहीं, 13 रुपए की आती है। जाओ जाओ 10 रुपए और लेके आओ। दे दो ना, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ जाओ 10 रुपए और लेके आओ। बेटे माँ बहुत बीमार है तेरी। हाँ। ले भाई बच्चे को दवा दे देना। कहाँ जा रहे साहब, खाना नहीं खाएंगे?
नहीं उस्ताद, भूख नहीं। भूख नहीं अब पैसे नहीं, मैंने सब देख लिए। आप जैसा हमदर्द हमारे यहाँ से बिना खाए चला जाए तो हमें बहुत अफसोस होगा। आइए खाना खाइए। नहीं यार, भूख नहीं। आपको इस गरीब की कसम। नाम क्या है तेरा? फकीरा। नाम रखता है फकीरा, दिल का बहुत अमीर है तू। चल इकबाल, इकबाल उठो, सुबह हो गई। सुबह तो एक बार हुई थी। अरे भाई वाकई सुबह हो गई, लो चाय पी लो। नींद अच्छी आई, रात सर्दी कुछ ज्यादा थी। सर्दी? साफ सर्दी तो हमने देखी थी, हमने देखी थी सर्दी, ऐसी सर्दी, ऐसी सर्दी, ऐसी सर्दी, कड़ाके की सर्दी। सब कुछ सुकड़ के आधा आधा हो रहा था। एक आदमी 6 फुट लंबा गया, वापस आया 3 फुट था, बल्कि 3.25 फुट था। सब कुछ आधा आधा हो गया था, हाथ आधे, पैर आधे, नाक आधी, होठ आधे, आधा आधा सब कुछ हो गया था। बल्कि बहुत सी चीजें तो ऐसी थीं जो कि बिल्कुल ही गायब हो गई थी, गायब हो गई थी, ढूंढने से नहीं मिली। आप थे वहां? नहीं, आप नहीं थे वहां। चाय पी लो। चाय पीने से पहले मैं जरा कर लूं? हाँ जल्दी करो, इससे पहले छुटकी गुसल खाने में जाए तुम पहले घुस जाओ, और नहाना हो तो नहा भी लेना। पूछ लिया होता क्या तौलिया नहीं मिला? तौलिया क्या पूछते खाक, सर से लेके पैर तक पसीने पसीना था। क्यों, क्या पानी इतना गर्म था? गर्म, सब कुछ गर्म था, सब कुछ। मैं चलता हूं। कहां जाते हो? मैंने चाय मंगा ली है अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। नहीं जाने दो। बेटी ये है इकबाल, इस शहर में नया नया आया है, और इकबाल ये है हमारी छुटकी। इनसे मैं मिल चुका हूँ। कैसे, मुझसे कब मिले हो? नहीं वो मिलने मिलने वाला मिलना नहीं, मैं बच गया था। मैं आपको देख चुका हूँ। क्या देख चुके हो? देखने वाली चीज कौन नहीं देखेगा, क्यों राम भरोसे जी? बिल्कुल बिल्कुल। छुटकी तू खड़े खड़े क्या देख रही है? देखने वाली चीज देख रही है और क्या। चीज तो हमने देखी है साहब, चीज तो हमने देखी है साहब। गलत जगह तो नहीं आ गया? घर तो मेरा ही है। कौन है तुम? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोग कौन हो और इस मकान के अंदर कैसे आए? तुम यहाँ भी? अच्छा तो ये सब तुम्हारी साजिश है? कैसी साजिश, हमने 500 रुपए देकर मकान किराए पर लिया है। देखिए ये मकान मैंने अपनी माँ के लिए बनवाया है, होटल के लिए नहीं। चलिए अपना बुरिया पैसा उठाइए, चलिए। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती आपने किया मैम साहब, ऐसे यहाँ रह रही है जैसे जिंदगी भर यही रहना है। चलिए मकान खाली कीजिए, चलिए। खाली नहीं करेंगे। अरे कैसे खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए मैम साहब मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ, जाइए आप। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे कैसे जाएंगे? तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें इस बेइज्जती का मजा चखाऊंगी। मजेदार चखाना मैम साहब, क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छी चीजें चखने का शौक है। आइए आइए, वो रहा शिवा। सोपन जी आप? शिवा आज तक तेरे खिलाफ जितनी शिकायतें आई पंचायत ने उन पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि तूने हमेशा गरीबों की मदद की है।
और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन आज जो तूने ठाकुर की बेटी के साथ किया, क्या किया मैंने? कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसाएगा क्या मैं बाहर नहीं निकलूंगा? इसने निशा देवी का अपमान किया, नारी जाति के साथ अन्याय किया। अरे ओ अन्याय के नए नुक्ते, क्या किया रे तेरी देवी के साथ? तूने बलात्कार करने की कोशिश की, उनकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। ठाकुर के पैर की ठोकर, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है। मैं तुझे और तेरे ठाकुर को यहाँ जिंदा कर दूंगा, समझे? देखो भाइयों, अरे देखा इसका जुल्म, देखी इसकी गुंडागिरी। अरे आज तो इसने ठाकुर की बेटी पर हमला किया है, कल अगर तुम्हारी बहू बेटियों को हाथ लगाएगा तो तुम क्या कर लोगे? इस साले बदमाश को मारो, 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 मारो। जिसने भी माँ का दूध पिया सामने आ जा। ये सच है जज साहब कि मैं गुनाहगार हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने वो रुपए सरकारी खजाने में जमा ना करके गरीबों, भूखों और बीमारों में बांट दिए। इंसाफ करने वाले अगर इससे गुनाह समझते हैं तो हां मैं गुनाहगार हूं, मुझे सजा दीजिए। सारे बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम करण को 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। करण कोई मजदूर नहीं जिसे काम करवाएगा। है कितने हिम्मत सामने आओ, है कितने हिम्मत काम करवाएगा मुझसे? संभाल के बड़े भाई, हिम्मत सामने वालों में भी होती है। अच्छा तुझ में हिम्मत है, आजमा लो। और डाल दो अलग अलग सेल में। चला अपने जेलर से कहना ये तोहफा हमें पसंद आया, ऐसे मर्दाना जेवर हमें अच्छे लगते हैं। सुनो ये चाबी लेते जाओ, वरना जिंदगी भर यहीं पड़े रहोगे। क्या नंबर है रे तेरा? 786। हाँ तभी अल्लाह तुझ पर मेहरबान था, वरना अब तक मर गया होता। बड़े भाई किसी की दुआएं तेरे काम आ गई, वरना मजा आ जाता। अभी नहीं छोटे भाई, मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन तुम बाहर निकलोगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ये तुमने क्या किया? उन मजदूरों के पैसे रख लिए? मैं क्या करता, मेरे हाथ में खुजली हो रही थी। लेकिन ये गलत है। क्यों, गलत क्या है इसमें? अरे भाई जो पैसे उसने मजदूरों को देने के लिए दिए थे मैंने मजदूरों को दे दिए, जो पैसे उसने मेरी आवाज बंद करने के लिए दिए वो मैंने अपने पास रख लिए। अब समझी तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर होटलों में कैसे जाते हो। तुझे चलना? हाँ लेकिन मेरे पास वैसे कपड़े नहीं है। अरे तू एक बार इशारा करके देख, मैं तेरे लिए कपड़ों की मिलें खुलवा दूंगा। तू चल, शाम को तैयार रहना बस। चल मेरे साथ। हाँ।
ये मेरा बूट। ये एक और ब्लाइंड। अरे कम से कम शो तो करानी थी यार। आपके पत्ते बांटूं? जी बात ऐसी है, ये जो खेल आप लोग खेल रहे हैं ना, बहुत कुछ स्लोली स्लोली खेल रहे हैं, स्लोली स्लोली। और ये स्लोली स्लोली खेल में क्या होता है, मजा चला जाता है, लेडीज बैठी होती है बोर हो जाती है बिल्कुल पूरी। मेरे पास एक खेल है जिसका नाम है बेगम ढूंढो। क्या मतलब? देखिए ये दस, ये दस, ये रानी, ये नहीं, टेन, टेन, क्वीन। अब इन तीन पत्तों में रानी ढूंढिए, बेगम, बेगम ढूंढिए, माल लगाइए, एक के दस बनाइए, बेगम ढूंढिए। ये मेरा 1000 बेगम पर। आपकी बेगम, बेगम खुल जा सिम सिम। खेलिए कमाल का है, माल इकबाल का है, देख ले सेठ। बेगम दिखा दे, बेगम दिखा दे, बेगम दिखा दे, माल लगा दे, बेगम दिखा दे, माल लगा दे सेठ। एक काम कर, एक का दस, दस का सौ, सौ का हजार, देख ले सेठ तेरी बेगम भागने को तैयार, पैसा फेंक तमाशा देख। दो दो दे ले बेगम एक, ढूंढ ले सेठ, ढूंढ ले सेठ। ये मेरा 1000 बेगम पर। खेलिए कमाल का है, मालिक बाल का है। ये भी डाला है, ये तो तीनों डाले हराम। गुड इवनिंग, गुड नाइट।